माय चैनल वर्ल्ड विन ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, यानी यूपी गवर्नमेंट द्वारा क्लास 10th के कॉमर्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। विषय वाणिज्य कक्षा 10, इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंकों का प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन होगा। प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य तथा मासिक परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। लिखित परीक्षा हेतु अंक विभाजन निम्नवत है। अ, अंतिम खाते तथा लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठा सामान्य समायोजन सहित चेक, बिल, हुंडी व प्रतिज्ञा पत्र संबंधित साधारण लेखे। ब, नस्तीकरण संदेश वाहन प्रणाली या व्यापारिक कार्यालय में श्रम व समय बचाने वाले यंत्र जैसे पंच मशीन, समय रिकॉर्ड मशीन, फोटोस्टेट मशीन, टाइपराइटर, कैलकुलेटर की साधारण प्रयोग संबंधी जानकारी। देसी व्यापार, थोक व फुटकर व्यापार, बीजक। स, बैंक जन्म परिभाषा, कार्य व महत्व। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, देसी बैंकर का सामान्य अध्ययन। द, उपयोगिता ह्रास नियम, व्यय एवं बचत, आय पारस्परिक संबंध, बचत का सामाजिक महत्व। निर्धारित पाठ्यपुस्तक, कोई भी पुस्तक निर्धारित या संतुलित नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन करें। इसका अर्थ यह है कि आपको किस पुस्तक से पढ़ना है ये अपने विद्यालय के शिक्षक से जान लें, यानी विद्यालय के शिक्षक जो कह रहे हैं आप वो पुस्तक लें और उससे पढ़ाई करना प्रारंभ कर दें। प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन। नोट, दिए गए प्रोजेक्ट सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार कराएं। प्रत्येक खंड में से प्रोजेक्ट करना अनिवार्य है। शिक्षक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर से भी दे सकते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। 15 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर मासिक परीक्षण द्वारा होगा। पहला, काल्पनिक आंकड़ों से आधार पर व्यापार खाते का नमूना। दूसरा, अंतिम खाते बनाते समय विभिन्न समायोजन का विवेचन। पाँचवा, चेक एवं चेक का रेखांकन। छठवां, नस्तीकरण की प्रणालियाँ। आठवां, चेक एवं चेक का अनादरण। नौवां, सिर्फ संदेश वाहन भेजने का साधन। दसवां, समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्र। ग्यारहवां, फुटकर व्यापार का वर्गीकरण। बारहवां, बैंक का उदय या विकास। तेरह, रिजर्व बैंक के कार्य। चौदह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। पंद्रह, उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या। अब देख लेते हैं प्रयोगात्मक में। शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की संतुष्टि की जाती है। पहला, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य अगस्त माह 10 अंक। दूसरा, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य तथा परीक्षा दिसंबर माह 10 अंक। तीसरा, 4 मासिक परीक्षाएं, प्रथम मासिक परीक्षा वर्णात्मक परीक्षा के आधार पर जुलाई माह, द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों MCQ के आधार पर अगस्त माह, तृतीय मासिक परीक्षा वर्णात्मक परीक्षा के आधार पर नवंबर माह में, चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों MCQ के आधार पर दिसंबर माह। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, यानी जो 30% कम किया गया है वो कौन कौन से हैं। भाग अ में से बुक, पासबुक एवं रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरण पत्र। भाग ब, अनुक्रमणिका विक्रय विवरण। भाग स, सहकारी बैंक। भाग द, उत्पत्ति के साधन, आशय, विशेषता एवं महत्व। प्रोजेक्ट कार्य, तीसरा, बैंक समाधान विवरण कब एवं क्यों बनाया जाता है। चौथा, रोकड़ बही एवं पासबुक बही में अंतर के कारण। सातवां, कार्ड अनुक्रमणिका का वर्णन। सोलहवां, उत्पत्ति के साधन। तो इस वीडियो में मैंने जो जो सिलेबस आपको दिखाया है, यानी जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उनकी तैयारी आप जल्दी से करना स्टार्ट कर दें ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत न हो, और ऐसे चैप्टर पढ़कर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं अगर आप उसी की तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी अच्छे से रहेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह वीडियो हम रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहेंगे।